हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जल्दी से करते हैं स्टार्टिंग आज के लेक्चर की। आजकल भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए मैं भी छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझने से। तो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी होती है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और दूसरी चीज क्या होती है, नए बॉन्ड बन जाते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब क्या होता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कितनी तरीके से कैसे बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो भाई, केमिकल रिएक्शन को ना मैं अभी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। केमिकल रिएक्शन जो होगी वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होगा, इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एक्सचेंज होंगे एटम्स के बीच में। एक तरीके से न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होगी। ये हमने दो तरीके की पढ़ी है भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये दो तरह की होती है। न्यूक्लियर फीजन आपने सुना होगा, जिसके अंदर क्या होता है भाई, एक मदर न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा एक हमारे पास हो गया न्यूक्लियर फीजन, और दूसरी हमारे पास होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी रिएक्शन होती है। हाउएवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन होंगी सारी की सारी न्यूक्लियर नहीं होंगी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक होंगी। तो दूसरी कैटेगरी जो होती है रिएक्शंस की वो होती है इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस। इनका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव करेंगे, जिसकी वजह से पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके जो रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी की सारी रिएक्शन जितनी भी होती हैं सारी इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन क्या होती है ये आपको समझना भाई जरूरी था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रॉनिक होंगी। अब देखते हैं भाई एक इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन के अंदर कैसे बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कैसे बॉन्ड बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। नया बॉन्ड जब बनता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होंगे हमारे पास। देखो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मूव कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा रिएक्शन के अंदर कहां से कहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। कहीं पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है वहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एक ऐसी जगह जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन में, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां से कहां पर मूव करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये डायरेक्शन हमेशा रहती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। यहां पर मैं अब आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही रिएक्शन का एग्जांपल लिखता हूं भाई। मान लो हमारे पास RCH2OH, ये एक एल्कोहल है जिसको हमने एसिड के अंदर डाल दिया, या फिर ये बोलो कि एल्कोहल का कोई सोल्यूशन था हमारे पास, एल्कोहल थी हमारे पास बीकर में, उसके अंदर हमने थोड़ा सा प्रोटिक एसिड डाल दिया। प्रोटिक एसिड बेसिकली क्या होगा भाई, जो कि प्रोटॉन्स दे दे। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे। तो देखो भाई प्रोटॉन आएगा हमारे एसिड से,
चाहे कोई भी प्रोटिक एसिड हमने डाला हो, HNO3 डाला हो, HCl डाला हो, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हो, हाइपरक्लोरिक एसिड डाला हो, तो इन सबसे एच प्लस आयन आ सकता है। लेकिन एच प्लस आयन बेसिकली है क्या, एक प्रोटोन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है तो ऑब्वियसली ये कौन सी स्पीसीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज हो गई। ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज। अब हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल देखो, यहां पर हमें दिख रहा है एक ऑक्सीजन का एटम, इसके ऊपर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास ऐसे लोन पेयर हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। तो हमारे पूरे रिएक्शन के मिक्सचर में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वक्त है तो वो ऑक्सीजन के पास है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रीजन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे। तो ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में, वो जानना आपको जरूरी है। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज की तरफ। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा का सारा एक्शन इस एक बात के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अगर हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर और हर केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जज करना सीख गए कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन कहाँ है, तो आप लोग सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन कर सकते हो। बस हर एक फंक्शनल ग्रुप का आपको पता होना चाहिए कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मतलब की कमी है, और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है। यहाँ पर अल्कोहल हम लोग समझ गए भाई, अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अच्छा, जब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब आ गए इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पर एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये नया बॉन्ड बन गया है जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं हाइड्रोजन को। हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक इस तरह की आइडेंटिटी होती है। किसी फंक्शनल ग्रुप को मान लो कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऐसा था जिसने इलेक्ट्रॉन अपने दिए थे, वैसे ही कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हो और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ भाई कार्बोनिल ग्रुप का। देखो मान लो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है कुछ इस तरह से। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है भाई, कार्बन एटम कनेक्टेड होता है ऑक्सीजन से एक डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लेता है और ऑक्सीजन पर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप लोग एक बात समझो भाई, यहाँ पर मैं कार्बोनिल की दो रिएक्शंस करवाऊंगा, आप लोग खुद से सजेस्ट करना कार्बोनिल की रिएक्शन वहां पर कैसे होगी। ध्यान में क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से डेफिशिएंट रीजन की तरफ। कार्बोनिल के कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव। यहां पर आप लोग एक बात समझो भाई, मान लो कोई ऐसी स्पीसीज आ गई जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड आयन में बोल देता हूं, एक साइनाइड आयन आ गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब साइनाइड का अटैक कहां पर होगा कार्बोनिल के साथ, देखो कार्बोनिल पर है पूरा नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच रीजन इस बार साइनाइड है। तो साइनाइड इज बेसिकली एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है हमारी साइनाइड। ये कहां पर अटैक करेगा कार्बोनिल में, कार्बोनिल जहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में, मतलब कि कीटोन का कार्बोनिल ये है, कार्बोनिल के फंक्शनल ग्रुप में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उस पोजीशन के ऊपर ये अटैक करने वाला है। फॉर एग्जांपल
कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो साइनाइड यहीं पर अटैक करेगा। इस कार्बन के ऊपर बेसिकली हम बोल सकते हैं साइनाइड का अटैक हो जाएगा। और क्या बन जाएगा भाई, देखो साइनाइड का अटैक जब इस पे होगा तो कार्बोनिल का बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों ब्रेक हुआ, साइनाइड का अटैक ऑक्सीजन पे क्यों नहीं हुआ, बॉन्ड कार्बन की तरफ क्यों नहीं ब्रेक हुआ? भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन के ऊपर अटैक होगा नेगेटिव चार्ज का। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन का जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसकी तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए। और कैसा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा भाई, कुछ ऐसा, एक साइनाइड आके लग गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अभी इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ये नया बॉन्ड हमारे पास बन रहा है। इलेक्ट्रॉन वही मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ भाई, कार्बोनिल की ही रिएक्शन का, जिसके अंदर क्या है, इस बार इलेक्ट्रॉन रिच रीजन रिएक्ट नहीं कर रहा, इस बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन के साथ में हम लोग अटैक करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन क्या हो सकता है, मान लो कि एच प्लस है, एच प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इसके ऊपर अटैक होने वाला है। अब ये अटैक कहाँ से होगा, देखो भाई कार्बोनिल के ऊपर दो रीजन है, कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन रिच जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन के ऊपर अटैक कौन करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है यही अटैक करने वाले हैं। यहाँ से ऑक्सीजन से ऐसे अटैक होगा, और क्या स्पीसीज बन जाएगी, कुछ ऐसी स्पीसीज बन जाएगी, ओ एच, ये बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट भी हो सकती है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की, कैसे, देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए ऑक्सीजन की तरफ तो क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन एच और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी हो सकते हैं। अगले स्टेप में हो सकता है ऑक्सीजन लोन पेयर दे दे और फिर से पहले जैसी स्पीशीज बना ले, तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट हो सकती है किसी मॉलिक्यूल में। तो बेसिकली यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, हो सकता है आपको लगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, लेकिन समझने वाली बात क्या है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहना पसंद करेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसके ऊपर रहना पसंद करेगा, इसीलिए ये ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन एटम पर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ फ्लो करते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था, तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में आप लोगों को बस यही आइडेंटिफाई करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ हमेशा मूव करेंगे। अब यहाँ पर दो स्पीशीज है भाई, हर केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी जगह से दूसरी जगह पर हो रहा है। एक स्पीशीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, एक स्पीशीज ऐसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ रही है। वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड द अदर इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसी बेसिस पे इन रिएजेंट्स को दो क्लासेज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये समझते हैं क्या होता है, देखो भाई दो स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, एक एक्सेप्ट कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से कौन लव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। तो भाई इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हम लोग समझ गए। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ आपको न्यूक्लियोफाइल्स के और इलेक्ट्रोफाइल्स के। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उनके ऊपर होगी, लेकिन वो चार्ज हो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है अल्कोहल के मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं था, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेट हो रहे थे, तो ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और अनचार्ज्ड भी हो सकते हैं। अगर उनके पास चार्ज ना हो तो जरूर कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसके पास लोन पेयर हो। तो वैसे ही न्यूक्लियोफाइल को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स मतलब उन पे नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, वॉटर, RSS, बेसिकली ये थायोल्स हैं, सल्फर के एक तरीके से अल्कोहल वर्जन आप लोग बोल सकते हो, अल्कोहल्स हो गए, अमीन्स हो गए। तो इन सभी के अंदर क्या है, चार्ज तो नहीं है लेकिन किसी ना किसी आइटम के ऊपर लोन पेयर जरूर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम कर रहे हैं, ये क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। वहीं हमारे पास कुछ चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल आयन, ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है। NH2 नेगेटिव आयन, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं भाई अगर हमारे पास एल्कोक्साइड आयन है। एल्कोक्साइड बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है बल्कि ऑक्सीजन के साथ किसी कार्बन का बॉन्ड है। एग्जांपल के लिए CH3O नेगेटिव मिथोक्साइड आयन, तो इसके अंदर भी एक ऐसी स्पीसीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। तो ये कुछ कैटेगरी हो गई भाई न्यूक्लियोफाइल की। साइनाइड आयन भी हमने किया था, ये भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ब्रोमाइड आयन, इसके अलावा और हैलाइड आयन। तो बेसिकली अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर किसी एक एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर है तो वो स्पीसीज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करेगा, एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जिसके ऊपर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कोई ऐसा ऑर्बिटल हो जो कि खाली पड़ा हो जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन ले सके। दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिवली चार्ज में जैसे कि NO2 पॉजिटिव आयन हो गया, कोई R पॉजिटिव हो गया। R पॉजिटिव का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसमें कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। फॉर एग्जाम्पल CH3 पॉजिटिव, CH3, CH2 पॉजिटिव, इस तरीके के आयन हो गए। तो इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला रिएक्शन में प्रेजेंट हो, कोई अल्कोहल, कोई हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट हो, तो वो तुरंत इनको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। इसके अलावा भी पॉजिटिव चार्ज में हम लोग लिख सकते हैं हमारा प्रोटोन होता है, ब्रोमोन आयन होता है, इसको बेसिकली Br पॉजिटिव बोलो। तो ये आयन भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, Br के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। बेसिकली ये मैं आपको कराऊंगा जब एल्कीन पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एग्जाम्पल के लिए देखो भाई BH3 बोरेन, डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है, BH3 के अंदर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर खाली पड़ा है, क्योंकि इसको अपने ऑक्टेट पूरे करने हैं, इसके पास एक पी ऑर्बिटल खाली है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर BH3 भी हमारे पास क्या हो गया भाई, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा आप लोग AlCl3 देख सकते हो, एल्यूमिनियम, ये भी बोरोन फैमिली का ही अगला एलिमेंट है। तो AlCl3 भी क्या है, इसके अंदर भी एक खाली पी ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो बेसिकली ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते थे उन्हें लेविस एसिड भी कहा जाता था। तो हम लोग बोल सकते हैं लेविस एसिड जो होते हैं वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं।
लेविस एसिड और लेविस बेस आपको याद होंगे। लेविस बेस वो होते थे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें, फॉर एग्जांपल अमोनिया, वाटर, ये सब क्या है, लेविस बेस है। और लेविस एसिड वो होते थे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें, फॉर एग्जांपल बोरेन, AlCl3, ये सब क्या है, लेविस एसिड है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो बेसिकली BH3, AlCl3 ये कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। ऐसी ही एक और स्पीसीज मैं आपको बताता हूँ भाई, एग्जाम्पल के लिए लिख लो SiF4, SnCl4। ये दोनों क्या है भाई, कार्बन फैमिली के एलिमेंट है। इनके 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट पूरे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली क्या है, ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट नहीं है, ये थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं। तो इनके अंदर एक डी सब सेल भी आ जाती है जो कि खाली होती है। सिलिकन की भी डी सब सेल खाली है और यहाँ पर टीन की भी डी ऑर्बिटल खाली है, डी सब सेल खाली है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझो, न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को बोला जाता है। तो अगर हम एक न्यूक्लियोफाइल की और एक इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवा दें तो वो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रोफाइल को। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग अमोनिया को मिलाते हैं BH3 में तब क्या होता है भाई, देखो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बोरोन में एक पी ऑर्बिटल खाली है, पी ऑर्बिटल इज एम्प्टी। तो यहाँ पर एक एडक्ट बन जाता है इस तरीके से, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं BH3 की तरफ। तो ये जो बना है ये एरो भाई कोई रिएक्शन एरो नहीं है, ये हमें दिखा रहा है कि नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, डोनेट किए हैं और अब ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और बोरोन ने शेयर कर रहे हुए हैं। तो इस तरीके से भाई एक अडक्ट बन जाता है। तो बेसिकली NH3 क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था, एक न्यूक्लियोफाइल था। BH3 क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो इसने एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर काम किया। तो हर रिएक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिसे न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है जिसे इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं भाई, हाँ जी, क्वेश्चन दिया हुआ है एक, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो रिएजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। बेसिकली ये जो कलर्ड आपको दिख रहे हैं पिंक कलर के रिएजेंट्स, ये हमें बताना है ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल। तो भाई देखो, हमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या देखना है, बस ये देखना है कि हमारी जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल आयन की अगर बात करें, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सिंपली SH नेगेटिव आयन में सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी होते हैं सल्फर के पास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई एसीटेट आयन नहीं सॉरी ये है हमारे पास एसिटाइल आयन, कुछ इस तरीके का ये होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो तुरंत आके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो इस तरीके से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में कि कौन सी स्पीसीज यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी और कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। अच्छा, यहाँ पर इन रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। OH नेगेटिव है, बेस है, एसिड का प्रोटोन निकाल लेगी और वाटर बना लेगी। SH नेगेटिव क्या करेगा भाई, यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसकी वजह से ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया है, एक ग्रुप को यहाँ से हटा दिया गया है और एक नया ग्रुप आके जुड़ गया है। सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जितने तरह की भी होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्हें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं GOC के अंदर। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ बस। अच्छा, यहाँ पर देखो थर्ड रिएक्शन में क्या था, C
CH3CO एसिटाइल आयन हमारे पास क्या था भाई, एक इलेक्ट्रोफाइल था। तो यहाँ पर जो बेंजीन हमारे पास है C6H6, उसके अंदर क्या होते हैं भाई, डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड अटैक कर देंगे कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर जाके ये एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा और एक दो स्टेप में इलेक्ट्रॉन को घुमाने के बाद प्रोटॉन निकल जाएगा। ये सिंपल सी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से भाई रिएक्शन हो रही है। कॉमन चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से डेफिशिएंट रीजन की तरफ जा रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहां पर देखो भाई, अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन सीकिंग का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हो। तो क्या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते हैं? जी नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ढूंढते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होते, करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियोफाइल इज ए लेविस एसिड, ये स्टेटमेंट गलत है भाई, क्योंकि हमें पता है लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल BH3 AlCl3, और लेविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो लेविस बेस होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या लेविस एसिड होते हैं? जी नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो लेविस बेस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनकरेक्ट। यही हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कौन सी स्पीसीज अपने नेचर में, अपने स्वभाव में इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ये हमें बताना है। देखो भाई, यहां पर आप लोग ध्यान से समझना, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम के पास 7 होते हैं। क्लोरीन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो यहाँ पर क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब एक पी ऑर्बिटल खाली हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक है भाई, नेचर में बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक है। BH3 में देखो, BH3 में यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर आप लोग गड़बड़ पता है क्या करोगे, आपको 3 जगह पर पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है उसको आप लोग करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? ये देखो, BH3 के पास भी एक पी ऑर्बिटल खाली होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे बोरोन के पास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। NO2 में क्या होगा भाई, देखो नाइट्रोजन इस तरीके से 2 बॉन्ड बनाया हुआ होगा, नाइट्रोजन पर होगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आए तो नाइट्रोजन पर बड़ा आराम से अटैक कर सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। H3O पॉजिटिव, देखो ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक लोन पेयर होगा इसके ऊपर और एक होगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो भले ही है, लेकिन इसके पास अब कोई खाली पी ऑर्बिटल नहीं है भाई जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन अपने ले सके। ये ऑलरेडी एक प्रोटॉन पकड़ चुका है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है। आप लोग देखो, H3O पॉजिटिव आयन के अंदर, हाइड्रोनियम आयन के अंदर कंप्लीट होता है ऑक्टेट हमारे पास, जिस वजह से क्या होगा, अच्छा यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के लिए भी आप लोग बोल सकते थे कि नाइट्रोजन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कैसे अटैक हो गया? तो बेसिकली वही पाई बॉन्ड होते हैं वीक, इनके ऊपर अटैक जब होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर
बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन्स का अटैक नहीं हो सकता, इसके पास ना तो कोई पाई बॉन्ड है और ना ही कोई खाली पी ऑर्बिटल है। तो H3O पॉजिटिव आयन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, यही स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी करेक्ट। H3O पॉजिटिव कैन नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो इसके लिए भाई हम मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी आखिर होती क्या है। देखो भाई, देखो न्यूक्लियोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? एबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। कोई न्यूक्लियोफाइल कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होती है भाई? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का ये मतलब मत समझना कि नेगेटिव चार्ज होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई? देखो ये किसके बराबर हो जाती है? टोटल चार्ज बाई साइज। जिस तरीके से हमारी नॉर्मल डेंसिटी होती है, जिसको हम लोग मास डेंसिटी भी बोलते हैं, तो वो क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, उसे हम लोग बोला करते हैं भाई डेंसिटी। वैसे ही चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर, साइज के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी प्रेजेंट है, उसे बोला जाएगा चार्ज डेंसिटी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी होगी, उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी होती है। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, जो कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाती है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के। जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उतना ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बढ़िया काम करेगा। तो आप लोग ये समझ गए भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जितने कम साइज के ऊपर प्रेजेंट होगा, उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास तीन आयन दिए हुए हैं, आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन। यहां पर हमें पता है कि टोटल चार्ज जो है वो तीनों के ऊपर सेम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी अलग होगी। रीजन क्या है? इनका एटॉमिक साइज अलग अलग होता है, इनकी आयोनिक रेडियस अलग अलग होती है। आप लोग इमेजिन करो, आयोडीन का साइज है इतना, ब्रोमीन का है इतना और क्लोरीन का है इतना। साइज का तो यही ऑर्डर होता है। तो ये हो गया बेसिकली क्लोरीन का साइज, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। अगर इन एटम्स के सरफेस पे मुझे बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फैलाना है, तो आयोडीन के ऊपर बहुत कम चार्ज फैलेगा क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है, बहुत थोड़ा थोड़ा चार्ज फैल पाएगा। ब्रोमीन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चार्ज फैल जाएगा और क्लोरीन के ऊपर तो सबसे ज्यादा चार्ज फैल जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा सा है। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है वो बिल्कुल साइज के किसके होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बड़ा साइज है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। अगर छोटा साइज है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन हो जाएगा सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, जिसका जितना बड़ा साइज उतनी लेस चार्ज डेंसिटी। इसलिए ऑप्शन डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से चार्ज और साइज वगैरह को कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स करवाना शुरू करूंगा, तब हम लोग और बढ़िया से इन दोनों चीजों को समझेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, चार्ज, इनका क्या असर पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। तो वहां पर भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आप लोग समझ गए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग इस लेक्चर के दूसरे पार्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर हमें स्टडी करना है बॉन्ड फ्यूजन। तो बेसिकली हमने क्या बोला था भाई, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, एक बॉन्ड का बॉन्ड
फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग समझ गए। कैसे होता है? जब कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। बॉन्ड का फिजन कितने तरीके से हो सकता है अब हम लोग ये समझते हैं। देखो भाई, बॉन्ड का फिजन कैसे होगा, दो तरीके से हो सकता है। एक हमारे पास होता है होमोलाइटिक फिजन। अब ये किन के अंदर होता है ये मैं आपको बताता हूं भाई। कई बार जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, वो ऐसे दो एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर है या फिर बिल्कुल बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन और कार्बन का मान लो कि बॉन्ड है। अच्छा, ये जो होमोलिटिक फिजन होता है इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चला जाएगा। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए हाफ एरो इस कार्बन की तरफ, और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाले कार्बन पर गया है तो हाफ एरो इस कार्बन की तरफ। ऐसी प्रोसेस से जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इन्हें बोला जाता है होमोलाइटिक फिजन। अच्छा, होमोलिटिक फिजन से क्या बनते हैं हमारे पास, फ्री रेडिकल बनते हैं। बेसिकली रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट काफी तरह के होते हैं। रिएक्शंस के बीच में ये बन सकते हैं। किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके बेसिस पे अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट हमारे पास बन सकते हैं। अच्छा, ये जो होमोलिटिक फिजन है भाई, ये सनलाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, प्रेजेंस में भी हो सकती है, और हीट की प्रेजेंस में भी। बेसिकली फोटोकेमिकल तरीके से भी हो सकती है, थर्मल तरीके से भी हो सकती है। क्या मतलब है, धूप में रखने से भी हो सकती है और गर्म करने से भी हो सकती है। ये सिंपल सा मतलब है फोटोकेमिकल का और थर्मल का, ठीक है भाई। तो इस प्रोसेस से होमोलिटिक फिजन से हमेशा रेडिकल बनते हैं। दूसरी तरीके की फिजन होती है हीट्रोलाइटिक। इसमें क्या होगा, देखो, हीट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन के अंदर क्या होगा भाई, जब हमारा सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पीसीज की तरफ मूव कर जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं भाई, मान लो कार्बन का एक जगह पर बॉन्ड है क्लोरीन के साथ और इसी कार्बन का दूसरा बॉन्ड है लिथियम के साथ। अब बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा ये मोस्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद 3.5 के आसपास होती है, काफी ज्यादा होती है कार्बन से। तो इस वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हीट्रोलाइटिक फिजन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हीट्रोलाइटिक फिजन कुछ ऐसे तरीके से हो जहां कार्बन से दूर चले जाए इलेक्ट्रॉन, वहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कार्बन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली एक कार्बो कैटायन हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट तरीके का बॉन्ड हम लोग देखते हैं भाई, कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन एक नॉन मेटल है, लिथियम एक मेटल है। लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है कार्बन से। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो चांसेस हैं कि ये कार्बन की तरफ ब्रेक हो। तो यहाँ पर जो स्पीसीज बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, कार्बन के ऊपर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और लिथियम प्लस आयन बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हीट्रोलाइटिक फिजन ही हुई है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ही गए हैं, लेकिन इस बार हीट्रोलाइटिक फिजन कार्बन की तरफ हुई है, कार्बन से दूर नहीं हुई। कार्बन की तरफ होगी तो क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसे बोला जाता है कार्बेनायन। जब मैं आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा तब बहुत डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग समझ गए कि कौन से तरीके से बॉन्ड ब्रेक करने से रेडिकल बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोएनायन बनता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, रेडिकल को फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। यहाँ पर फ्री वर्ड की क्या सिग्निफिकेंस है ये आप लोगों को पता लगाना है, आपको सोचना है। रेडिकल के आगे फ्री वर्ड क्यों लगाते हैं, फ्री रेडिकल क्यों बोलते हैं, फ्री कार्बोकैटायन फ्री कार्बोएनायन क्यों नहीं बोलते, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग सोचना जरूर इसके बारे में। तो भाई हम लोग समझ गए बॉन्ड फिजन इस तरीके से
दो तरह से हो सकती है, होमोलाइटिक हीटरोलाइटिक। होमोलाइटिक फिजन जब किसी सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड की होगी तो वहां पर क्या होगा, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन भाई पाई बॉन्ड में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड था, बल्कि पाई बॉन्ड की तो होमोलिटिक फिजन और आसानी से होती है। फॉर एग्जाम्पल एच म्यू हो या फिर थर्मल कंडीशन हो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो एक सिंगल बॉन्ड अभी भी रह जाएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, तो दोनों कार्बन के ऊपर एक एक रेडिकल अब आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, कार्बोकैटायन जो होता है उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बोएनायन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये भी आप लोग समझ गए। तो ये होती है भाई बॉन्ड फ्यूजन, दो तरह से ये हो सकती है, बस यहाँ पर हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है भाई। तो बेसिकली अगर बॉन्ड फ्यूजन होती है तो वो किस बेसिस पे होती है ये हम लोग समझ गए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो वहां पर क्या होता है भाई, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दोनों एटम। परोक्साइड के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा, इस तरीके की कुछ पीसीज हमारे पास होगी। यहाँ पर भी ये जो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, ये किन दो एटम्स के बीच में बना है, ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बना है। सेम एलिमेंट के दोनों एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, इस वजह से यहाँ पर भी होमोलिटिक फ्यूजन ही होती है। क्या बन जाता है भाई, इस तरीके के रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है, दो बन जाएंगे ऐसे रेडिकल, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी दो रेडिकल बन जाएंगे, तो इस तरीके से रेडिकल बनते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में रेडिकल बनते हैं और हीट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में आयन बनते हैं। कार्बन के ऊपर उस आयन में पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं भाई, ये डिसाइड करेगा कि बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटा है या फिर कार्बन से दूर टूटा है। तो ये था भाई हमारा आज का लेक्चर, और कुछ बचा नहीं है बॉन्ड फ्यूजन में पढ़ने को। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैं आपको ऐसे तरीके से करवाना वाला हूँ, आमतौर पर क्या होता है मोस्टली कोचिंग्स में, मोस्टली यूट्यूब वीडियोज में हमें क्या कराते हैं भाई, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, मेजोमेरिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब करवा देते हैं, जहां से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। इनसे भी पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं जो कि हमें पढ़ने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली जो आप लोगों ने पढ़े हैं इंडक्टिव वगैरह, इंडक्टिव हो गया आपका प्लस माइनस, मेजोमेरिक हो गया प्लस माइनस, रेजोनेंस हो गया प्लस माइनस, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, ये सब तो क्या होते हैं, प्लस माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ये सब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, ये बाद में आते हैं। इनसे पहले कुछ प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्किनेस, इनकी वजह से भी काफी रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सारे इफेक्ट आपको स्टडी करने चाहिए इंडक्टिव मेजोमेरिक इन सबसे भी पहले, तो ये मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्लीज लाइक दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।